नमस्कार, ऐसे में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जो बहुजन समाज की आवाज़ को बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ कर बोलते हैं और देश विदेश सब जगह जाकर बहुजन समाज के प्रचंड को लहराते हैं। राजवीर सिंह जी, जिन्होंने अभी लोकसभा चुनाव लड़ा और बहुत अच्छी वोटिंग भी ली और बहुजन समाज के लोगों में अपने दिल में बहुत अच्छी जगह भी बनाई और बहन जी के बहुत नज़दीकी भी माने जाते हैं राजवीर सिंह जी। राजवीर जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। राजवीर जी, आप बहन जी बसपा सुप्रीमो मायावती के बहुत नज़दीकी माने जाते हैं, तो मैं एक बड़ा नज़दीकी सवाल आपसे पूछूंगा कि अभी जो बसपा सुप्रीमो ने भाई भतीजे की राजनीति जनता बोल रही है वो कर रही हैं, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं भाई भतीजा राजनीति की, मैं भी अखबार में भी पढ़ रहा हूँ और बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर भी इसको लोग चला रहे हैं, बड़ा बढ़ चढ़ के चला रहे हैं कि अपने भतीजे आकाश को जो उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, अपने भाई आनंद कुमार को जो उपाध्यक्ष बनाया है। इसमें जो मेन समझने की बात यह है कि ये जो कोऑर्डिनेटर और उपाध्यक्ष का जो पद है, ये इसको आप राजनीतिक नज़रिए से ना देख के और इसको सामाजिक नज़रिए से देखें। सामाजिक नज़रिए से ये बात बिल्कुल सही साबित होती है और ये फैसला जो है मेन जी का बिल्कुल काबिले तारीफ साबित होता है, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम भारतीय समाज की अगर बात करें तो भारतीय समाज में एक कोई भी महिला जो है वो अगर कहीं पे भी रहती हैं तो ये हमारा सामाजिक दायरा कहता, हमारी सामाजिक सोच कहती है, पूरा देश कहता है कि उनके आजू बाजू नज़दीक में कोई एक पारिवारिक सदस्य ऐसा ज़रूर रहना चाहिए ताकि लोगों को उंगली उठाने का और बात करने का मौका नहीं मिले। तो आप सबने देखा होगा कि जब से बहन जी अलग हुई हैं परिवार से और अलग रह रही है, तब से आनंद जी उनके कदम से कदम मिला के साथ चल रहे हैं और उनके साथ रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनके साथ रहते हैं और बहन जी पूरी राजनीतिक हैं, पूरी राजनीतिक बात चर्चाएं उनके घर में होती हैं और जो राजनीतिक काम है, जो पार्टी से अलग हटके जो पार्टी का पेपर वर्क है वो बहन जी उनसे आनंद जी से करवाती हैं। तो वो करते करते आज उनको 20 साल का मेरी समझ में एक्सपीरियंस हो गया होगा या 15 साल का इतना एक्सपीरियंस हो गया होगा पार्टी का भी कि वो पार्टी लाइन भी समझते हैं, बहुजन मूवमेंट को भी समझते हैं और बहुजन समाज पार्टी को भी समझते हैं। और जो सबसे बड़ी बात ये कि उनके सगे भाई हैं, इसलिए उन्होंने उनको उपाध्यक्ष का पद दिया कि राजनीतिक समझ रखते हैं, राजनीतिक बात को समझते हैं, उनके परिवार को समझते हैं, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को समझते हैं, बहन जी के नेचर को समझते हैं और सबसे बड़ी बात है कि 15 साल में पूरे बहुजन मूवमेंट को वो समझ गए हैं। तो जिस तरीके से बहुजन मूवमेंट को वो आगे बढ़ा सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी का काम क्या है? बहुजन समाज पार्टी का काम राजनीतिक सत्ता हासिल करना नहीं है। बेसिकली बहुजन समाज पार्टी का काम है कि अपने समाज को, बहुजन समाज को, जिसमें बहुजन समाज में बहुत सारी जातियाँ आती हैं, बहुत सारे समाज आते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जो है उनको पहले भारतीय भाषा में कुनबे जिनको बोलते थे, आदिवासी समाज जिनको बोलते हैं, वो सब लोग आते हैं, उन सब लोगों को रिप्रेजेंट करना, उनको संविधान के अनुसार जो भारत में उनको अधिकार मिलने चाहिए, जो देश में अधिकार मिलने चाहिए संवैधानिक, वो उनको मिलने चाहिए, ये उस तरीके का मूवमेंट चलाते हैं। ठीक है, हमारी 10 सीटें आती हैं, हमारी 50 सीटें आती हैं, दोनों से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है बहुजन समाज पार्टी पे। बहुजन समाज पार्टी पे फर्क तब पड़ता है जब मंडल कमीशन जैसा एक आयोग आया और बहन जी ने ये साबित करा बहुत कम सीटों के अंदर कि मंडल कमीशन जो है वो वास्तव में लागू होना चाहिए। और ये मेरे को लगता है कि शायद अगर बहन जी के बजाय कोई और होता, ठीक है, तो मंडल आयोग नहीं लगवा सकता था। मंडल आयोग लगाने के लिए हमारे को 50 सीटों की ज़रूरत नहीं थी, या हमारे पास 50 सीटें थी भी नहीं उस टाइम, लेकिन उन्होंने अपनी बात को ताकत से रखा और लोगों को संविधान पढ़वाया। हो सकता कि तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो भी रहे होंगे उनको उन्होंने संविधान पढ़ाया होगा कि ये संवैधानिक अधिकार है, अगर आपको हमारा समर्थन चाहिए तो ये संवैधानिक अधिकार जो लोगों का है ये आप लोगों तक पहुँचाएँ। तो ये मूवमेंट की बात है, मूवमेंट को मेरे को लगता है कि आनंद जी बहुत अच्छे से समझते हैं, इतने दिन से बहन जी के साथ रह रहे हैं, आप उनको परिवार से ना जोड़ के और एक मूवमेंट से जोड़ें, सामाजिक मूवमेंट से जोड़ें, तो आपको लगेगा कि सामाजिक मूवमेंट जो बहन जी चलाती हैं उसको मेरी समझ में आज की तारीख में सबसे ज़्यादा लोग अगर कोई उसको समझ पाया है इतने लोगों में, तो मेरे को लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा आनंद जी उसको समझ पाए होंगे। उसका कारण ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बहन जी के साथ रहते हैं, जब भी बहन जी कोई बात करती हैं, किसी से मिलती हैं, तो मोस्टली आनंद जी उनके साथ होते हैं, ऐसा देखा गया है बार बार। तो जब कोई आदमी अगर बात करता है, अगर कोई आदमी सुनता है, तो हो सकता है कि 100 में से 100% वो नहीं ऑब्जर्व कर पाता होगा, लेकिन निश्चित तौर से 50%, 40%, 30% तो ऑब्जर्व कर पाते होंगे। तो अगर हम 30% को अगर 15 साल में कन्वर्ट करें, तो मेरे को लगता है कि आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी में इस मूवमेंट के बारे में, आगे बढ़ाने के बारे में, अगर इस सोच को आगे बढ़ाने के बारे में कोई आदमी सबसे ज़्यादा काबिल है तो निश्चित तौर से आनंद जी। तो मेरे को नहीं लगता कि बहन जी का जो ये डिसीजन है वो भाई भतीजावाद का, ये डिसीजन ऐसा है कि इससे मूवमेंट को निश्चित तौर से आगे बढ़ाने में उनको फ़ायदा मिलेगा, समाज को भी फायदा मिलेगा और पार्टी को निश्चित तौर से फायदा मिलेगा ही मिलेगा।
आप थे हमारे साथ राजवीर सिंह जी, जिन्होंने बताया कि जो बहुजन समाज की बसपा सुप्रीमो है मायावती, जिनका इतिहास भी मानता है कि जो भी बसपा की सुप्रीमो मायावती डिसीजन लेती हैं वो बहुत स्ट्रांग डिसीजंस होते हैं, और उन्होंने ये डिसीजन जो लिया है इसको पब्लिक और जनता बताती है भाई भतीजे की राजनीति, क्योंकि जो आपके सलाहकार होते हैं, जो आपके नज़दीकी होते हैं, हमेशा उनको ऊपर ज़्यादा विश्वास होता है, और बसपा सुप्रीमो ने वही किया जो उनको करना चाहिए था। हमारे चैनल से आपने बात करी, इसके लिए धन्यवाद सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।